नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान द्वारा विकासखंड खाली शहर के अंतर्गत ग्राम पंचायत जल्लू में रात्रि चौपाल आयोजित कर लोगों की जन समस्याओं की सुनवाई की गई। संबंधित अधिकारियों को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उठाए गए विभिन्न बिंदुओं पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। लोगों द्वारा रात्रि चौपाल में सड़क सुधारीकरण, पेयजल और सिंचाई के लिए टंकी और टैंक निर्माण का कार्य करवाने, पड़ोसी ग्राम पंचायत कपरौली के साथ वन विभाग से संबंधित स्थायी लोगों को प्राप्त होने वाले परंपरागत हक हकूक से संबंधित विवाद सुलझाने की मांग, गांव के प्राथमिक स्कूल में विद्युत कनेक्शन प्रदान करने और विद्यालय के भवन का पुनर्निर्माण करवाने, एक स्थानीय ग्रामीण द्वारा पेंशन सत्यापन की मांग की गई और मोबाइल टावर कनेक्टिविटी में सुधार करने से संबंधित समस्याएं जिलाधिकारी से साझा की गई। जिलाधिकारी ने सड़क निर्माण और पुल निर्माण कार्य के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NH के अधिकारियों को इसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रदान करते हुए इसके सुधारीकरण के निर्देश दिए। कपरौली गांव के साथ वन संपदा के स्थानीय हक हकूक विवाद के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ने वन विभाग के साथ दोनों ग्राम पंचायतों की संयुक्त बैठक आयोजित कर विवाद को सुलझाने और वन विभाग को अपनी भूमि के डिमार्केशन करने के लिए मौके पर सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने UPCL के विद्युत उपखंड अधिकारी SDO को दूरभाष पर निर्देशित किया कि प्राथमिक विद्यालय में तत्काल विद्युत कनेक्शन देकर कृत कार्रवाई की सूचना उपलब्ध करवाएं। उन्होंने सिंचाई विभाग को पेयजल और सिंचाई के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गांव में टैंक निर्माण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गाँव में निवास करने वाली प्रेग्नेंट महिलाओं की जानकारी लेते हुए उनको और बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की, जिसमें पाया गया कि गांव की एक महिला जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है और उनको 3 माह होने के पश्चात भी टीकाकरण की सुविधा और स्वास्थ्य जांच नहीं करवाई गई है, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित आशा स्वास्थ्य कार्यकर्त्री और ANM का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए उनका वेतन रोकने व आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय पटवारी को निर्देशित किया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों के नियमानुसार स्वास्थ्य जाँच, काउंसिलिंग और EHR एक होम राशन मिलना चाहिए। उन्होंने पटवारी को निर्देशित किया कि पहली बार प्रेग्नेंट होने वाली और एनीमिया से पीड़ित प्रतीत होने वाली महिला की प्रॉपर स्वास्थ्य जांच करवाएं, इसकी व्यक्तिगत निगरानी करते हुए कृत कार्रवाई का विवरण भी उपलब्ध करवाएं। जिलाधिकारी ने संबंधित महिला के घर जाकर उसके स्वास्थ्य की निगरानी की जाने वाली सुविधाओं और टीकाकरण की जानकारी भी ली। न्यूज़ 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। तो उसको कम्युनिटी नोट पे दिया जा रहा है कि हमारी महिलाएं उस पानी की क्वालिटी को चेक करेंगी, उनको एक किट भी दिया गया। तो समाव अब प्रधान साहब को हाउस टैक्स वसूलना चाहिए, फिर एक आदमी रखना चाहिए। एक बात कह रहा हूँ उससे कि आपको अपने आय के स्रोत बनाने पड़ेंगे और स्रोतों के माध्यम से इस तरीके के पोस्ट को देखना पड़ेगा। PTC है नहीं अपना, वो कुछ देती है आपको, राशन राशन दे रही है आपको खाने का भी सकता है। अरे वो जो देना होता है टेक होम राशन माओ को देने के लिए होता है, नहीं दे रही आपको। नाम क्यों नहीं चढ़ा है? 8 महीने हो गए बच्ची को प्रेग्नेंट हुए, कैसे नाम नहीं चढ़ा है? आप देखिए ना, इस टाइप की डिलीवरी बिगाड़ी इसकी, स्पेशली इसकी, तो मैं नौकरी से हटा दूँ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।